हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम अपने रूम से अब चेकआउट करने की तैयारी में हैं और हम फिर बाहर कहीं घूमेंगे फिरेंगे। आपको दिखाएंगे, ये हैं मेरी सास यानी कि बच्चों की दादी। ये साथ आई हैं अपने पोते से मिलने के लिए। भाई देखिए, सब लगे पड़े हैं अपनी भी तैयारी करने में। तो फ्रेंड देखिए, अब हम होटल से चेकआउट कर लिया हमने और हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर बहुत अच्छी धूप हो रही थी, कुछ देर हमने फ़ोटो वगैरह खींचे हैं बाहर और उसके बाद हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। तो हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आ गए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रही थी और वो पूजा कर रहे थे और यहाँ पे उन्होंने सुंदरकांड चला रखा था अपनी टीवी पर। बहुत अच्छा लग रहा था और हम पहले कस्टमर हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं, वेटर हमसे पूछ रहा हमें क्या क्या नाश्ता चाहिए। इतनी देर हमने टाइम पास करने के लिए चिप्स के पैकेट ले लिए और हम लोग वो चिप्स खा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि बेटे को तो मैंने बहुत कुछ दे दिया, बेटे को कुछ नहीं दिया, तो मैंने उसके लिए भी एक गिफ्ट ले लिया और मैं उसको देने के लिए आई हूँ। अब थोड़ी सी ब्लॉगिंग करेंगी इनकी दादी। सब धीरे धीरे चिप्स खा रहे हैं क्योंकि सबको भूख लग रही है और अभी हमारा वेट चल रहा है। वेटिंग में बैठे हैं ब्रेकफास्ट के। देखिए, और ब्रेकफास्ट हमने खाए आलू के पराठे और चाय। चाय भी बहुत बढ़िया, आलू के पराठे भी बहुत बढ़िया थे। यहाँ पर हम निकल आए हैं, यह कैंटेरिया, ये झील है जो, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी पर हमारे पास टाइम कम था तो हम रुके नहीं हैं यहाँ पर। और ये पूरा हमने कैंटेरिया दिखाया आपको। ये वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है, ये मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, धूप भी बहुत बढ़िया निकली है, यहाँ पर पूरा व्यू बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कैंटेरिया के जस्ट बाद ही ये है एयरफोर्स एरिया और यहाँ पर इन्होंने मॉडल के तौर पे ये एरोप्लेन रखा हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो, ये मैंने गाड़ी स्लो करवा ली है और धूप देखो, मौसम कितना क्लियर है यहाँ पर। उसी टाइम मुरादाबाद में बहुत तेज़ ठंड थी। अब हम पहुँच गए यहाँ के बुद्धा टेम्पल और देखो धूप कितनी अच्छी है और यहाँ पे फूल भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी हो रखी है। मैंने बहुत दूर से लिया ये फ़ोटो। आई देखिए, ये फूल, ये कितना सुंदर कलर है फूलों का। होते हमारे यहाँ भी पर ये इतना कलर इतना अच्छा नहीं होता, यहाँ बहुत अच्छा है। हम लोग सब बातें करते हुए अंदर को एंटर हुए हैं और भी बहुत लोग हैं। संडे था तो भीड़ भी बहुत थी, काफ़ी लोग हैं घूमने आए हुए हैं और व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी टेंपल बने हुए हैं जो कि पूरा लेने में दिक्कत, मैंने चलते चलते लिए हैं तो थोड़े हिलते हुए वीडियो भी आ रहे हैं। चल जा घुमा के। और ये मंदिर के अंदर रहेंगे, ये घूमने वाले स्तंभ बने हुए हैं जो घूमते हैं और ये बहुत भारी थे। हम लोगों ने भी घुमाए हैं पर हमसे घूम ही नहीं रहे थे, हमने चारों ने मिल के घुमाए तब जाके ये घुमाए। ये देखो, ये फुल ताकत के साथ घुमाए। ये देखो कितना, ये अब हम लाइन से लग जाएंगे, दादी मैं बेटा हमने चारों ने पकड़ के घुमाए तब जाके ये घुमाए। ये थोड़ा टाइट घूम रहा था। और ये बॉल है देखो, इस पे कितनी बढ़िया पेंटिंग कर रखी है पर यहाँ से, और पूरा मंदिर का व्यू, पूरा वाइट मंदिर है ये। पर मेन मंदिर के अंदर हम गए नहीं थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमने पूरा राउंड घूम के आए हैं, हम चलते चलते थक भी गए हैं। बहुत बड़ा मंदिर है ये, हम सामने से निकलते हुए हमने सिर्फ सामने से फ़ोटो लिए हैं, वीडियो बना लिए हैं, अंदर नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है अंदर। और यहाँ पे देखो साफ़ सफाई कितनी है, धूप भी थी, सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय करा है यहाँ पर। ये अब मैंने सामने से वीडियो लिया है इसका, देखो फिर भी मैं पूरा नहीं कैप्चर कर पाई हूँ, आपको जूम करके भी दिखाऊंगी अभी। ये एक झील है, इसमें भी लोग विश मांग के कॉइन डाल रहे थे पर हमारे पास कॉइन ही नहीं निकले, पर हमने ऐसी विश मांग ली थी, बहुत सारे इसमें कॉइन पड़े हुए हैं। देखिए, रुको मैं दे रही हूँ, मेरे पास धूप भी बहुत अच्छी है इस टाइम पे। ये मैं घंटा बजाने के लिए गई लेकिन ये भारी है, मेरे से तो ये बजा ही नहीं घंटा। अब मैंने ठीक सामने से इसका वीडियो बनाया, ये देखिए पूरा कितना अच्छा व्यू है। पीछे बहुत घना जंगल था मंदिर के, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो रखे थे।
देखो भीड़ देखो कितनी सारी है। अब हम ये आए हैं, पिलर घुमाए जाते हैं इनको, किसी ने बताया कि विश मांग के इनको घुमाते हैं, लेकिन हमें एक भी छोड़ना नहीं होता है। तो मैंने ये काउंट करके घुमाए हैं, मेरी गिनती से ये 551 थे, बड़ा वाला पिलर लगा के 551 थे, और हम तीनों लोगों ने कंटिन्यू घुमाते हुए जा रहे थे। मेरे तो हाथ में भी दर्द हो गया, सब लोग घुमा रहे थे। देखिए सबसे आगे मेरी बेटी चल रही है, वो पता नहीं कहाँ कितना आगे पहुँच गई घुमाते हुए। मैं दूसरे नंबर पे मैं हूँ, और तीसरे नंबर पे मम्मी है, और चौथे नंबर पे सबसे पीछे चल रहा है हमारा बेटा। और देखिए बेटी सबसे आगे जा रही है, बहुत तेज़ी से घुमाते हुए ये चली जा रही थी, बहुत तेज़ घुमा रही थी, पर मुझसे नहीं घुमाए जा रहे थे ये। और मुझे गिनती भी करनी थी क्योंकि विश मांग के करते हैं, तो यही बताया था किसी ने कि एक भी मिस नहीं करना है। ये देखो कितनी तेज़ घुमाए जा रही है। अब लास्ट में ये बड़ा वाला घुमाना था, ये बहुत फ्री था, तो इसको पकड़ते ही एकदम से फ्री फ्री घूम रहे थे हमने, बारी बारी से सब लग गए लाइन में। मैंने तो एक ही राउंड लिया और मैं खड़ी हो गई, मुझे चक्कर आने लगे थे। इन लोगों ने कई सारे राउंड लगाए थे। ये देखो बच्चों की दादी जो कॉटन कैंडी खा रही है, खूब इंजॉय कर रही कॉटन कैंडी। अब हम आ गए हैं ग्राफिकारा यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे कोई इवेंट था तो वहाँ इसलिए डेकोरेशन कर रखी थी, और ये काफ़ी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है मैंने। और ये बिल्लियाँ धूप में बैठी थी, हमें देख के बिल्ली एकदम भाग गई है। और ये है कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं। अब बेटा दिखा रहा था हमें, उसने पूरा कॉलेज घुमाया है और बताया कि मेरी क्लास ये है, हमने पूरे कॉलेज का राउंड लिया है। बहुत अच्छी माली ने यहाँ पे बहुत अच्छे गार्डन बना रखे थे, तो मैंने ये देखे कितने सुंदर सुंदर बनाया, बगीचा सजा रखा है उन्होंने। उसके बाद हम आ गए हैं एडिडास के फैक्ट्री आउटलेट में, यहाँ से बेटे को हमने कपड़े दिलाए और हम लोगों ने शूज़ भी खरीदे हैं। ये है डेली विश सुपर मार्ट, और यहाँ से दिलवाया हमने अपने बेटे को थोड़ा सामान डेली का। और उसके ऊपर है जिम से हम पी रहे हैं चाय, ऑर्डर करिए चाय वनीला कुल्हड़ वाली चाय है, बाकी बहुत टेस्टी चाय होती है। हम वापस आ गए हैं हॉस्टल बेटे को छोड़ने के लिए, और सब लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बच्चे से, इसने सबके पैर छू लिए, मम्मी के भी पैर छुए, मेरे भी छू लिए। अब टाटा बाय बाय करके चल रही है। ये पापा बेटे अपनी कुछ बातें कर रहे हैं दूर जाके थोड़ा सा। बाय, देखिए हम अपने घर वापस आ गए हैं और रात के 10 बज रहे हैं, और मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।